मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं एक ये ट्री फाइकस का भी बाय करके लेके आया था दोस्तों। अगर आप बोनसाई बनाना चाह रहे हैं और आप बिगिनर हैं तो आप फाइकस की जो वैरायटी है वो चूज कीजिए, इसमें काफी वैरायटी होती है, वो आपके लिए बेस्ट होगी। तो आप फाइकस लॉन्ग आइलैंड, फाइकस पांडा, फाइकस की बहुत सी वैरायटी है। आप बनियन, जो इंडियन बनियन है यानी कि बरगद, वो भी ले सकते हैं दोस्तों। कुछ फाइकस जो फिग ट्री है वो 300 मीटर से भी ऊपर तक होती है। एक फिग होती है जिसको यहाँ पे गुलर बोलते हैं, और यहाँ मेरे पास था उसका काफी बड़ा ट्री। और ये ट्री ऐसे हैं जो एवरग्रीन रहते हैं और इनकी एज भी काफी होती है। और इस पे जो फ्रूट लगते हैं उसका कलर ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल एंड ब्लू काफी तरह का होता है। जैसे कि जो मैं गुलर बता रहा हूँ वो स्टार्टिंग में जब कच्ची होती है तो ग्रीन कलर की होती है, बाद में वो हल्की पीले रंग की होती है, और लास्ट में वो रेड कलर की हो जाती है। मोस्टली जो फाइकस है उस पर एरियल रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि फाइकस पांडा, फाइकस लॉन्ग आइलैंड, और जो बरगद है उस पर, और एक पिलखन है पिलखन पर। तो इन सब पे एरियल रूट्स ग्रो होते हैं। एरियल रूट से दोस्तों जो बोनसाई की जो लुक है वो काफी अच्छी आती है। जैसे कि हमारे जो बरगद के ट्री होते हैं बड़े, उस पर एरियल रूट्स इस तरह से ग्रो हो जाती है। तो ऐसे ही हम इन छोटे प्लांटों पर एरियल रूट्स ग्रो करके उसको एक बड़े ट्री जैसा लुक दे सकते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पे चाइनीज बनियन बोलते हैं। हम इन पे मैनुअली भी एरियल रूट्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तब फाइकस और जो बनियन है उस पे रूट्स ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो करने लगती है, लेकिन जैसे ही फिर गर्म सीजन आता है वो रूट्स जो कच्ची होती है वो जल जाती है। तो उनको सेव करने के लिए कुछ मेथड है, मैंने एक दो वीडियो में आपको बताया भी था। यहाँ पे एक बनियन ट्री है तो उस पे मैंने देखा कि जो एरियल रूट है उसको ग्रो करने के लिए, धूप से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो बैम्बू होता है उस बैम्बू के अंदर उसको डालकर, और उस बैम्बू को जैसे कि यहाँ से एरियल रूट्स ग्रो हो रही है तो बैम्बू लगा रखा है और बैम्बू को सोइल के अंदर डाल रखा है, तो वो बैम्बू के साथ साथ एरियल रूट्स नीचे सोइल में चली जाएगी। तो सेम वो ही प्रोसीजर हम जो हमारे बोनसाई है उसमें कर सकते हैं। उसके लिए हमें बैम्बू की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रो आती है यानी कि जो जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने की जो स्ट्रो होती है, हम वो स्ट्रो यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रो के अंदर आप एरियल रूट्स को डाल दीजिए और नीचे का जो हिस्सा है उसका वो सोइल में डाल दे, ताकि जो रूट्स है वो सन से, जो धूप से बर्न ना हो, जले ना, और वो अच्छे से रूट के अंदर एक बार सोइल के अंदर चले जाए। सोइल के अंदर जाने के बाद वो अच्छे से ग्रो कर जाएगी। मेरा एक वीडियो भी है इसके अंदर के हाउ टू ग्रो एरियल रूट्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो एरियल रूट होती है वो ब्रांच से निकलकर सोइल की तरफ जाती है, और कुछ ही दिनों में जब उसको अच्छा सोइल मिलेगा तो वो इतनी मोटी हो जाएगी कि वो एक ऐसा लगेगा कि वो एक ट्रंक है इस ट्री का। इनका जो बार्क है वो मोस्टली ग्रे कलर का होता है। अब हम इसकी केयर की बात करते हैं कि इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी जो पोजीशन है वो हमें कहां पे रखनी चाहिए। फाइकस है उसको आउटसाइड ग्रो करें, इसको धूप अच्छी लगती है। और एरियल रूट्स ग्रो करने के लिए हम इसको पॉली हाउस के अंदर रख सकते हैं। फाइकस को नॉर्मली वाटरिंग करते रहें, मींस जैसे ही आपको लगे कि सोइल थोड़ा ड्राई हो रहा है तो उसमें वाटरिंग कर दें, यानी कि हल्की सी मॉइस्चराइजिंग रूट्स को मिलती रहे। डेली मिस्टिंग से जो इसकी इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहती है, जिससे एरियल रूट आपकी ग्रो हो सकती है। लेकिन ओवर मिस्टिंग से जो इस पे फंगस लगने का डर रहता है, तो ओवर मिस्टिंग भी ना करें। अगर हम विंटर में भी इसको ऐसी जगह रख रहे जहाँ पे तेज धूप आती हो दोपहर के टाइम, तो उसमें डेली रेगुलरली वाटरिंग करें, बिकॉज तेज धूप से सोइल जो है वो जल्दी ड्राई हो सकता है दोस्तों। ओवर वाटरिंग ना करें इसके अंदर, बिकॉज ओवर वाटरिंग से जो इसकी रूट्स है वो सड़ सकती है। सोइल दोस्तों, इसके अंदर जो हमें सोइल यूज करना है वो वेल ड्रेन सोइल हो, और सोइल के अंदर हम जो चीजें यूज करेंगे वो जैसे ब्रिक के टुकड़े, बजरी के कंकर, जो रिवर सैंड है वो ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह का जो सोइल है वो हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमने जो बोनसाई सोइल बनाया था एक वीडियो में वो आप यूज कर सकते हैं। सोइल के अंदर थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग बनी रहेगी, बिकॉज उसके अंदर हम थोड़ा सा बार्क ऐड कर लेंगे। जो ब्रिक के टुकड़े होते हैं वो भी सोइल के अंदर मॉइस्चराइजिंग बना के रखते हैं, बिकॉज वो वाटर को थोड़ा स्टोर कर लेते हैं।
दोस्तों गर्मियों में इसे वीक में एक बार और सर्दियों में वीक में दो बार इसे फर्टिलाइज करें। इसमें एनपीके यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम एक जो मैंने आपको फर्टिलाइज बताया था, इसमें हमने जो सरसों की खल से एक फर्टिलाइज बताया था, आप उस फर्टिलाइजर के अंदर 10 लीटर फर्टिलाइजर लेकर उसके अंदर 2 चम्मच यूरिया के डालकर वो यूज करें, उससे इसके पौधे काफी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। या फिर हम एनपीके यूज कर सकते हैं। दोस्तों ट्री को अच्छी शेप देने के लिए रेगुलरली प्रूनिंग करना जरूरी है। जैसे कि आपको ये ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच में देखिए यहां से लेकर यहां तक ये काफी स्पेस खाली है, तो इसके लिए हम इसको यहां से मूव कर देंगे तो यहां पे नया जो बड है वो निकल जाएगा, उससे क्या है फॉलिस गहरा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी प्रूनिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसकी प्रूनिंग हम करेंगे फरवरी में, क्योंकि फरवरी के बाद इसके न्यू बड स्टार्ट हो जाएंगे और तब इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। दोस्तों प्रूनिंग जो है वो जो लीफ है, जो पत्तियों का साइज है उसको घटाने में भी काफी हेल्प करता है। मींस जैसे हम इसकी प्रूनिंग करते जाएंगे जो लीफ का साइज है वो घटता जाएगा। अगर हमें इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी करनी है तो उसके लिए प्लांट को 1-2 साल तक ऐसे ग्रो करने दें, जब इसकी थिकनेस अच्छी हो जाए बाद में फिर इस पर हम प्रूनिंग करके इसको शेप दे सकते हैं। दोस्तों फाइकस को वायर करना इजी है क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। ये देखिए जैसे कि हम इस पे वायरिंग करेंगे ये काफी फ्लेक्सिबल है और इजीली ये बैंड हो जाती है, तो इस पे हम इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताया था कि अगर आप स्टार्टर यानी कि आप बिगिनर है बोनसाई के अंदर तो फाइकस की वैरायटी चूज कीजिए, ये काफी अच्छी है। फाइकस पांडा आपको नॉर्मली नर्सरी में मिल जाएगा तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। वायरिंग करने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखें कि जो वायर है वो इसके अंदर ना धस जाए, मीन्स बार्क को खाने ना लगे वायर, तो उसके लिए आप उसको रेगुलरली चेक करते रहें क्योंकि इसके बार्क में वायर बहुत जल्दी धस जाती है। जब आपको लगे कि जो वायर है वो बार्क के अंदर धसने लगी है तो उसको रिमूव कर दें और दोबारा से रीवायर करें। दोस्तों फ्यूजन एक टेक्निक है जो कि फाइकस में मोस्टली यूज की जाती है। इसमें हम 5-6 प्लांटों को एक साथ इकट्ठा करके उनको फ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट ये, एक प्लांट ये और एक एक प्लांट, तीनों प्लांट हमने ले लिए, इनको इस तरह से टाइट कर देंगे और किसी रस्सी से या किसी और चीज से इस तरह से टाइट बांध देंगे, तो जैसे ये ग्रो होगी तो इनका जो बार्क है वो एक दूसरे में मेल्ट हो जाएगा और जो ट्री की थिकनेस वो बन जाएगी। जैसे कि हम इसके तने को तने से और ब्रांच को ब्रांच से, रूट्स को रूट्स के साथ फ्यूज कर सकते हैं। फ्यूजन के बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने भी एक जो फाइकस है उसका फ्यूजन कर रखा है तो उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। रिपोर्टिंग, दोस्तों फाइकस को गर्मियों के शुरू होने से पहले रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग के टाइम इसकी रूट्स को पुन कर लें, उससे क्या होगा ट्री की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी आएगी, जो फॉलेज है वो गहरे हो जाएंगे। और रिपोर्टिंग करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो सॉइल आप चेंज करें वो वेल ड्रेन सॉइल हो। फाइकस की वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर हम ज्यादातर जो कंकर या जो ईंट के टुकड़े होते हैं इस तरह का सॉइल यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनकी रूट्स को इस तरह का सॉइल काफी पसंद है और ऐसे सॉइल में ये काफी इजीली ग्रो करती है। प्रोपोगेशन, दोस्तों फाइकस को हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इसकी कटिंग कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आप इसकी कटिंग फरवरी के मंथ में लगाइए। फरवरी क्या होता है, इसकी जो बर्ड्स है वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, तो फरवरी का मंथ बेस्ट रहेगा। या फिर हम इसे एयर लेयर कर सकते हैं। दोस्तों एयर लेयरिंग के लिए बारिश का मौसम बेस्ट रहेगा और एयर लेयरिंग के लिए जो एक स्पंग मॉस होती है हम वो यूज कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके लिए हम नॉर्मल सॉइल या बजरी यूज कर सकते हैं। उसके लिए एयर लेयरिंग के लिए आप मेरे काफी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, तो एयर लेयरिंग करना काफी ईजी है। फाइकस को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। स्प्रिंग सीजन में सीड से ग्रो कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो फाइकस है वो कटिंग के थ्रू या एयर लेयरिंग के थ्रू ग्रो किए जाते हैं। इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ओवर मिस्टिंग से इसके अंदर फंगस लग जाती है और अगर आपने ओवर वाटरिंग की है तो जो रूट्स है वो डैमेज हो सकती है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखकर अपना एक अच्छा बोनसाई तैयार कर सकते हैं। ओके दोस्तों अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसको एक नर्सरी पॉट के अंदर अभी ग्रो करूंगा। ओके दोस्तों मैं ये पॉट यूज करूंगा, तो दोस्तों ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पॉट के अंदर होल्स अच्छे से हो ताकि वाटर अच्छे से ड्रेन हो। तो इस पॉट के अंदर काफी होल्स हैं तो इसमें वाटर अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। पॉट के अंदर मैं जो सबसे नीचे सॉइल यूज करूंगा वो मैं ईंट पत्थर के ये टुकड़े यूज करूंगा, बिकॉज
ये फाइकस के लिए बेस्ट है, इनमें इनकी रूट्स अच्छे से ग्रो होती है। और दोस्तों जो ईंट के टुकड़े होते हैं इनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ये वाटर को सोख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा पानी अपनी हथेली पे लिया है और ये यहाँ पे रख देते हैं। देखिए कैसे इसने वाटर को सोखना स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, इसने वाटर को सोख लिया है और ये अपने अंदर इस वाटर को स्टोर करके रख लेता है। जैसे प्लांट को जरूरत पड़ती है तो यहाँ से उसको नमी मिलती रहती है, इसलिए हम इसको बॉटम में डाल देंगे, यानी कि जो हमारा पॉट है इसके नीचे हम यही डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सॉइल मैं इसके अंदर यूज करूंगा। इसके अंदर बजरी है और जो कंकर है बजरी के वो है, कुछ जो ईंट के टुकड़े हैं वो है, थोड़ा सा परलाइट है, बार्क है और थोड़ा सा कंपोस्ट है। पहले हम ट्री का जो बैग है ये निकाल लेते हैं। दोस्तों हम इसकी रूट वाल को डैमेज नहीं करेंगे, मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी इसलिए हटा दूंगा ताकि जो इसकी रूट्स है वो बाहर आए और जो नया सॉइल है उसके अंदर ग्रो करे। ओके दोस्तों, हम प्लांट को रख के देखते हैं, इसमें थोड़ा सॉइल डालेंगे अभी। ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पे इसकी जो रूट वाल है लगा दी है, अब बाकी सॉइल हम इसके चारों तरफ डाल देंगे। और दोस्तों अब सॉइल को हम स्टिक से अच्छे से फिल कर देंगे ताकि स्पेस ना रहे। अब हम इसको हाथ से पुश कर देंगे। ट्री हमने यहाँ पे प्लांट कर दिया है, अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। जो फाइकस है उसको हम ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। एक और जो टेक्निक है कि हम प्लांट को ग्राफ्ट करके भी एक अच्छी शेप दे सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं ग्रो हो रही तो हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग करके नई ब्रांच ग्रो कर सकते हैं। अभी इसको ग्रो करने दूंगा थोड़ा, और जब फरवरी का मंथ आएगा यानी कि जब इसका ग्रोइंग सीजन आएगा तब मैं इसको पुन कर दूंगा, और जो शेप मेरे को रखनी है सिर्फ मैं उतनी रखूंगा। जैसे कि ये एक्स्ट्रा ब्रांच है, मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से और इसको एज ए कटिंग ग्रो करूंगा। सेम यहाँ से इसको कट कर दूंगा, ये एक्स्ट्रा ब्रांच हम रिमूव कर देंगे। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, जो सॉइल है वो वेल ड्रेन है, तो इसने अच्छे से वाटर को सोख कर लिया है, वाटर अच्छे से ड्रेन हो चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।